बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामला। आपको बता दें कि 7 आतंकियों को फांसी और 1 को मुकैद की सजा हुई है। तो मुठभेड़ में मारा गया है आतंकी सैफुल्ला मोहम्मद आतिफ ईरानी को मुकैद हुई है। तो लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सजा और फैसला सुनाया है। तो मुठभेड़ में मारा गया था आतंकी सैफुल्ला मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद हुई है। तो लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में आतंकी सैफुल्ला मारा गया था, तो भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को इन आतंकियों ने अंजाम दिया था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, तो इन आतंकवादियों ने भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा हुई है, 7 आतंकियों को फांसी की सजा दी गई है, जबकि 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकियों को सजा दी गई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, तो 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट के आतंकवादियों को एनआईए ने सजा सुनाई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।